किया। यहाँ क्या किसान इस पूरे देश का अन्नदाता है। आपने आंदोलन किया, 3 काले कानून लाए, आपने आंदोलन किया, आप खड़े रहे, डटे रहे, आपको क्या मिला? आंसू गैस मिली, लाठियां मिली, सुनवाई नहीं मिली। आपको कहा गया था कि एमएसपी मिलेगी, आज भी जो एमएसपी है 24 आपके जो उपज है उनपे दे रहे हैं, इनमें से तो 10 आप उगाते ही नहीं है। यहाँ आपके साथ विश्वासघात हुआ हर स्तर पर। नौजवानों के साथ देखिए, यहाँ पे इतनी बेरोजगारी है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप हाथ उठा के बताइए कितनों को रोजगार मिला है सरकार से। एक हाथ नहीं उठेगा, सब मना कर रहे हैं। यहाँ के नौजवान कर्मठ हैं। हम दिल्ली के बड़े शहर में देखते हैं, दिल्ली में, मुंबई में, अलग अलग शहरों में यहाँ से पलायन करके जाते हैं। रोजगार वहां मिलता है तो हम खुद देखते हैं। जब भी मैं मिलती हूँ, कोई हरियाणा का युवा है, मुझे मालूम होता है ये कर्मठ बच्चा है, मेहनती बच्चा है, इसका आत्मसम्मान है। लेकिन हरियाणा के अपने प्रदेश में जो 10 सालों से सरकार चल रही है, उसने इसका भी सम्मान नहीं किया। नौजवानों के लिए क्या मिला? बेरोजगारी मिली, अग्निवीर जैसी स्कीमें मिली, जिससे आपको बताया गया कि आप सरहद पे भी जाएंगे, शहीद होने को तैयार होंगे, तब भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। 4 साल बाद वापस आइए और फिर से बेरोजगारी का आप संघर्ष करिए। पहलवानों को देखिए, हमारे खिलाड़ी हैं, इनके साथ क्या किया गया? हमारा सम्मान रखते हैं, पूरा देश देखता है, ओलंपिक्स में जाते हैं, हिम्मत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। मैं जानती हूं कि गांव गांव का बच्चा हरियाणा में मेहनत करके आगे बढ़ता है स्पोर्ट्स में। और उनके साथ क्या किया गया? उनको सड़क पे बिठाया गया, आंदोलन करते रहे। प्रधानमंत्री जी के पास 5 मिनट का समय नहीं था कि वो मिलने भी चले जाए, कि पूछ लें कि क्या बात है, किस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं। और फिर आप सब ने खुद ही देखा कि ओलंपिक्स में अभी हाल में क्या हुआ। आप लड़ने वाले लोग हो, अपना आत्मसम्मान है। आज किस चीज से लड़ रहे हो? महंगाई से लड़ रहे हो, महंगाई से लड़ रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, सरकार कुछ नहीं कर रही आपके लिए। जहां देखो स्कैम पे स्कैम, स्कैम पे स्कैम। नौजवान पढ़ते लिखते हैं किस लिए? पेपर लीक होता है, एक भी भर्ती नहीं होती है, तमाम जो सरकारी नौकरियां सब खाली पड़ी रहती हैं। तो आपका सामने, आपके सामने आपका भविष्य क्या है? आज आत्मसम्मान से जीना है, न्याय चाहिए, तो इस सरकार को फेंक निकालो, हटा दो इस सरकार को। कुछ नहीं मिला है आपको इस सरकार से, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें। और मुझे ताज्जुब होता है कि बड़े 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 से बड़े प्रधानमंत्री भी यहाँ आते हैं, वही पुरानी बातें कह रहे हैं जो 10 साल पहले कही। आज वादे कर रहे हैं कि वो ये करेंगे, वो करेंगे, एमएसपी करेंगे, रोजगार दिलवाएंगे। अरे 10 सालों में क्यों नहीं किया? 10 सालों में किसानों की सुनवाई क्यों नहीं हुई? नौजवानों की सुनवाई क्यों नहीं हुई? जवानों की, पहलवानों की सुनवाई क्यों नहीं हुई? महिलाओं की सुनवाई क्यों नहीं की, जो महंगाई के सामने तड़प रहे हैं, जूझ रहे हैं महंगाई से, एक छोटी सी चीज खरीद नहीं पाते। त्योहार आते हैं, घबराहट होती है, घर में कोई बीमार पड़ता है, घबराहट होती है, फीस भरनी पड़ती है, घबराहट होती है। और ये लोग वही घिसी पिटी बातें जो 10 सालों पहले इन्होंने आपसे की थी, वही बार बार दोहराते रहते। कोई नई स्कीम इन्होंने निकाली आपके लिए? एक स्कीम निकाली, ये जो परिवार वाला आईडी कार्ड है, ये है इनकी नई स्कीम। परिवार पहचान पत्र कहते हैं, ये परिवार परेशान पत्र बन गया है।